नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। रेवाड़ी वासियों, हरियाणा में 25 मई को मतदान होना, ऐसे में दैनिक साथी की अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान जरूर करें, क्योंकि हर एक वोट जरूरी है। अब बात करते हैं गुरुग्राम लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में मोती चौक पर आयोजित विजय संकल्प रैली की। नाम ही विजय संकल्प रैली हो तो सीधा सा मतलब है राव की विजय के लिए रैली का आयोजन। लेकिन यहाँ पर विजय संकल्प लेना तो दूर, कुछ वक्ताओं ने राव का नाम लेना तक उचित नहीं समझा और मंच पर भाजपा की फूट खुलकर सामने आ गई, जो कि अंदर खाने दिखाई देती थी। पहले आपको दिखाते हैं मंच से पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास और पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने आखिर ऐसा क्या कहा कि चर्चा का विषय बन गया। बता दें कि दोनों ही राव विरोधी माने जाते हैं। वहीं पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव का भी राव के धुर विरोधियों में नाम शुमार है। ज्यादा समय लेते हुए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय जी, मेरे दिल में आपके प्रति बहुत प्यार और आदर है, पर संभवतः आप मेरे दिल को, मेरे दर्द को नहीं समझ पाए हैं, उसको आप मन ही मन में समझ लेना, मेरी यही प्रार्थना है। और आज मैं रेवाड़ी की इस पावन वीर भूमि पीतल नगरी पर आपका स्वागत करते हुए सभी रेवाड़ी नगरवासियों, सभी अपने आप में एक एक संस्था है और सभी मंचस्थ मेरे साथी, मैं सबको नमन करते हुए, मोदी जी ने जो कहा कि उम्मीदवार कैसा हो पर मोदी की गारंटी पर पार्टी और कमल के फूल को वोट देना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं सीएम साहब से, आज भी ये हमारे मुख्यमंत्री यही है कि कुछ यहाँ की परेशानियां जो पिछले समय में दूर नहीं हो पाई, आगे जब आए दूर करा देना। ये जो कमेटी में जो एनडीसी की गड़बड़ है इसको ठीक करा देना। सब लोग आपके साथ है, कोई शहर से आपका विरोध नहीं है। तो यहाँ विरोध ये है कि जो हम प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे जो गड़बड़ है, आने वाले समय में जब आपको मौका मिले तो इस प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करा देना। रेवाड़ी सदैव सदैव आपकी वोट देता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आपने दोनों को सुना और देखा। अब सवाल ये कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री की मौजूदगी में चुनाव से महज 15 दिन पहले इतने महत्वपूर्ण समय पर रेवाड़ी में भाजपा की फूट को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का यह सही समय था? क्या इससे पार्टी व उम्मीदवार को कोई लाभ मिल पाएगा? लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि फूट से लाभ नहीं, नुकसान होता है। क्या महज अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए फूट को सार्वजनिक कर दिया गया? सूत्रों की माने तो विजय संकल्प रैली का आयोजन पूरी तरह से पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव की देखरेख में किया गया था। विश्वास सूत्रों का यहां तक कहना है कि राव इस रैली के पक्ष में नहीं थे। यह पहले से ही निर्धारित था कि राव रैली में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उनके पटौदी में पहले से ही कार्यक्रम निर्धारित हो चुके थे। जानकारों का तो यहां तक कहना है कि राव के पास उनके कट्टर समर्थकों की लंबी फौज है जो उनके लिए हर समय तैयार रहती है। ऐसे में गुरुग्राम, मेवात व रेवाड़ी में राव की टीम राव की जीत सुनिश्चित करने के लिए खूब पसीना बहा रही है। राव खुद मोदी में दिखाई देते हैं। ऐसे में राव अपने विरोधियों की मान मनोबल करने की बजाय अपने सिपहसालारों पर ही ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि 2019 विधानसभा की टीस दोनों ओर बराबर दिखाई दे रही है। राव एक बयान में यह कह भी चुके हैं, मोती चौक पर राव गुट की ओर से सुनील मुसेपुर ने जरूर मोर्चा संभाला हुआ था। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी मौजूद रहे और राव को भारी मार्जिन से जिताने की अपील करते देखे गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रैली का मकसद राव के लिए वोट बढ़ाना था या मौजूदगी दर्ज कराने के लिए नुकसान पहुंचाना? ऐसे में अब दर्शकों से अपील है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।